अपन ने योजना बना ली गांव के लिए कि जिनके पास रहने की जमीन कम पड़ रही है उनको फ्री में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाए। और एक बात ध्यान से सुनना, भाषण नहीं दे रहा हूं मैं, आपको कुछ बातें बता रहा हूं। कई लोगों के नाम रह गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, लिखा नहीं पाए, पोर्टल में आ नहीं पाए। तो मुझे विजय जी ने बाकी लोगों ने बताया कि जब जाते तो पहले चली हमारी तो कुटी आई नहीं है कि नहीं चली कुटी आई नहीं। तो अब ऐसे भाई और बहन सुन लो जिनके नाम गरीब हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए हैं, उनके लिए मैंने बना दी मुख्यमंत्री आवास योजना। इसके आवेदन बनाने शुरू हो गए, अभी आवेदन बनाने चालू कर दिए। जो गरीब रह गए हैं उनके नाम पर रह गए। किसानों में जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है उनके नाम भी जोड़ूंगा और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से ऐसी लाडली बहनाएं जिनका अभी तक यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान नहीं बना है या जिनका मकान कच्चा है उनके लिए यहां पर जो है पक्का मकान बनाने के लिए लाडली बहना आवास योजना की घोषणा की गई है। इसे ही यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री आवास योजना भी कहा जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत ऐसी लाडली बहनाएं जिनका कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान नहीं बना है या अभी तक जिनका मकान यहां पर कच्चा है, जिनके पास 2.5 एकड़ से कम की सिंचित जमीन है या 5 एकड़ से कम की असिंचित जमीन है, उन्हें जो है इस योजना का लाभ यहां पर दी जाने की घोषणा की गई है। इसके आवेदन भी यहां पर जो है प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि ये आवेदन कब तक यहां पर जो है भराए जाएंगे और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, तो उसी की जानकारी जो है मैं आपको आज के इस वीडियो में यहां पर देने वाला हूं। तो उनके लिए मैं यहां पर बता दूं कि 17 सितंबर 2023 से जो है लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 5 अक्टूबर 2023 तक जो है इस योजना के फॉर्म यहां पर भरे जाएंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से शेयर किए गए ऑफिशियल जानकारी आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जिसमें बताया गया है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की हो रही है शुरुआत। आवास योजना के लाभ से वंचित पात्र परिवारों को मिलेगा पक्का मकान, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि आपको लाभ नहीं मिला है तो आपको जो है लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही 17 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2023 तक इसके आवेदन भरे जा रहे हैं। आवेदन आपको कहां से भरना है, तो आवेदन वहीं से भरे जाएंगे जहां से आपने लाडली बहना योजना के लिए जो है आवेदन भरे हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपके गांव में आपके सरपंच सचिव के थ्रू जो भी यहां पर लाडली बहना का केंद्र बनाया होगा, लाडली बहना की योजना के लिए जहां से फॉर्म भरवाए गए होंगे वहीं से जो है लाडली बहना आवास योजना के लिए भी जो है फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अब किसे इसका लाभ मिलेगा ये भी जो है यहाँ पर जान लीजिए। तो यदि आपके पास आपका पक्का मकान यहाँ पर नहीं है, यानी कि आपका स्वयं का पक्का मकान आपके पास नहीं है, आपके पास मकान है लेकिन कच्चा है, या आप कहीं किराए से रह रहे हैं, आपके पास मकान है ही नहीं, ऐसी स्थिति में आपको जो है यहाँ पर मकान मिलेगा। कच्चा मकान है भी तो केवल 2 कमरों का है, 2 कमरों से ज़्यादा का नहीं है, तो इस योजना का लाभ मिलेगा। आपके घर पर कोई 4 पहिया वाहन यहाँ पर नहीं है, यानी कि ट्रैक्टर कार वगैरह आपके पास नहीं है, तो इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं है, यानी कि आपके परिवार में यानी कि पति पत्नी या उनके जो बेटे हैं बच्चे हैं इनमें से कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी शासकीय ड्यूटी में यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इस योजना का लाभ मिलेगा। आपकी मासिक आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे कोई इनकम सोर्स आपके पास नहीं होना चाहिए जहाँ से जो है आपको 12,000 रुपये महीने के आ रहे हो। इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता इनकम टैक्स दे रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित जमीन नहीं होना चाहिए, या आपके पास 5 एकड़ से अधिक असिंचित जमीन यहां पर नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह की टर्म और कंडीशन को आप पूरा करते हैं तो आप लाडली बहना आवास योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत आपको
120,000 रुपए अलग अलग 3 किस्तों में यहां पर दी जाने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक आपका पक्का मकान नहीं बना है या सूची में आपका नाम नहीं आया है तो आप लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास अब कुछ ही दिन का यहाँ पर समय बचा है। 5 अक्टूबर 2023 के पहले पहले जो है आपको यहाँ पर आवेदन कर लेने हैं। इसके अलावा आपके लाडली बहना आवास योजना को लेकर कोई सवाल हो तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई हम यहाँ पर जरूर करेंगे। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से पीएम पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉई खबर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।